नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट विश्लेषण के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज भी बाजार में आपने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन देखा, उतार चढ़ाव भरा माहौल था आज भी बाजार में। यानी कि आपने आज 550 से नीचे भी निफ्टी को कैश में देखा और 650 के आसपास का एक हाई भी आपने निफ्टी में देखा। वही साहब बैंक निफ्टी की कहानी थी, मैंने आपसे कह रखा था 43,000 से अगर नीचे आएगा तो वही साहब 42,900 और 43,500 इसी के बीच में आपको बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा। सुबह मैंने सब कुछ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था वॉइस मैसेज के द्वारा और उसी दोनों ही इंडेक्स ने साहब उसी रेंज में काम किया। देखिए दोस्तों, आज एक मुख्य इवेंट था आरबीआई की पॉलिसी और आरबीआई ने साहब 35 बेसिस पॉइंट की है बढ़ोतरी, रेट हाइक किए हैं और सब कुछ डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, आप जाके उसको देख लीजिए। ग्रोथ पे क्या प्रिडिक्शन है और ग्रोथ पे क्या अनुमान है आरबीआई का, इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई का क्या कहना है, सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है। वैसे तो सेम ही है जो पिछला था, उसी पे ही मेरे ख्याल से आरबीआई ने अपना जो बयान है वो कायम रखा है। थोड़ा सा ग्रोथ पे उन्होंने उन्होंने कम किया है आने वाले साल में, यानी कि जो नेक्स्ट क्वार्टर है यानी कि 23-24 का जो पहला क्वार्टर रहेगा उसमें थोड़ा सा उन्होंने ग्रोथ के अनुमान को घटाया है, 7 से 6.8 किया है। इन्फ्लेशन थोड़ी सी उनको चिंता का विषय लग रही है, अभी भी जो आरबीआई का बैंड है उसके ऊपर इन्फ्लेशन अभी भी ट्रेड कर रही है, इसीलिए आरबीआई को 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी। ओवरऑल आज का दिन खास था, एक इवेंट्स खत्म हो गया है, नेक्स्ट जो बड़ा इवेंट्स है दोस्तों वो कल आएगा। यानी कि मैंने आपको बता रखा है बाजार के लिए दो दिन खास है, 7 और 8। 7 तारीख का इवेंट्स आज खत्म हो गया आरबीआई पॉलिसी का, नेक्स्ट इवेंट है कल गुजरात के इलेक्शन के नतीजे आएंगे जो बाजार को प्रभावित करने का दम रखते हैं। ऐसे में एफआईआई की क्या रणनीति है वो ये चार्ट बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा है। एफआईआई साहब बिल्कुल चौकन्ने हो चुके हैं, इस समय वो 1200 करोड़ के आसपास का गए हैं माल बेच के, 1250 करोड़ के आसपास का माल बेच के गए हैं। ओवरऑल आज बाजार में आपको 800 करोड़ के आसपास की सेलिंग दिखी होगी क्योंकि इसके विपरीत 300-400 करोड़ का डीआईएस ने माल खरीद लिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एफआईआई थोड़े से सजग हो चुके हैं और ये फायदा उठाएंगे, हम लोग उत्साह में उमंग में साहब बाय करेंगे कि गुजरात में बीजेपी आ रही है, यानी कि गुजरात में बीजेपी जीत रही है, हिमाचल में बीजेपी जीत रही है और एमसीडी में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसको देखते हुए साहब उत्साह हो के हम लोग बाय करेंगे और ये साहब डेफिनेटली पोजीशन शॉर्ट की बना रहे हैं और ये इसीलिए कैश में बिकवाली कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें शाम को आएगा डाटा, जो ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स में किस तरह का ये काम कर गए हैं उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, शाम को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर फ्री हुआ। फिलहाल तो शादी का माहौल चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे शोर शराबा मेरे चारों ओर गूंज रहा है। अगर आवाज़ आ रही होगी ठीक ठाक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं तो ईयरफोन लगा के आप मेरी ये वॉइस सुन लेना। तो दोस्तों ओवरऑल बाजार एक कंसोलिडेशन दायरे में है, 18,500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, 18,500 से नीचे अगर बाजार ट्रेड करता है तो डेफिनेटली वीकनेस यानी कि बाजार में दबाव बढ़ जाएगा, बाजार साहब 18,250 के लेवल को भी दिखा सकता है। जिस प्रकार मुझे एफआईआई का नजरिया समझ में आ रहा है, मैं सोच रहा हूं शायद अब ये पुट में काम कर रहे हैं, यानी कि अब ये शॉर्ट साइड में है, जिस तरह की कैश में ये बिकवाली कर रहे हैं उसको देखते हुए डेफिनेटली दोस्तों मुझे ये अनुमान लग रहा है कि अब शायद ये पुट साइड में अपना पोजीशन बना रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बाकी 18,500 का लेवल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 18,500 के टूटने के बाद ही डेफिनेटली फिर एक नई मंदी बाजार में आ सकती है जो बाजार को 18,250 ले जाने का दम रखती है। अगर बीजेपी भारी बहुमत से मेरे ख्याल से गुजरात में आती है जैसा कि अनुमान है तो डेफिनेटली बाजार में उमंग आएगी, लेकिन एफआईआई उसका फायदा उठा सकते हैं, यानी कि आप लोग बाय करोगे वो साहब पोजीशन शॉर्ट करेंगे और ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं हमेशा एफआईआई। इन चीजों को ध्यान में रखिए, 18,500 का लेवल बाजार में नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो मेरे ख्याल से थोड़ी वीकनेस बढ़ सकती है। फिलहाल 18,500 के लिए मैं भी शॉर्ट साइड में हूँ और पोजीशन मैं भी शॉर्ट बना के गया हूँ। अब देखते हैं शाम को ऑप्शंस का डाटा किस प्रकार का आता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी से मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग नजर आता है। फिलहाल 42,800 बैंक निफ्टी के लिए बहुत अहम सपोर्ट का काम करेगा जो 43,500 तक ले जाने का दम रखता है। 43,500 के बाद ही बैंक निफ्टी में तेजी होगी, याद रखिए 43,500 के बाद ही
बैंक निफ्टी में तेजी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, कल का दिन और सा वेट कर लीजिए, फिर आपको मौके भरपूर मिलेंगे पैसा लगाने के लिए। यानी कि कल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बाजार की पिक्चर कि बाजार किस करवट जाएगा, यानी कि किस करवट बैठेगा हमारे बाजार का ऊंट, मंदी साइड या तेजी साइड, ये पोजीशन सारी क्लियर हो जाएंगी कल। तो 18,500 को ध्यान में रखिए, उधर 42,800 को ध्यान में रखिए, बाजार में बने रहिए, बाकी चीजें समझेंगे शाम को जब एफआईआई का जो ऑप्शंस का डाटा आएगा, फ्यूचर इंडेक्स में क्या करके गए, ऑप्शन इंडेक्स में क्या करके गए, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। कितनी इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है सबको समझाऊंगा आपको शाम को अगर फ्री हुआ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार फाइनली, नमस्कार।